इधर है। इस रो में बैठ जाए सिर्फ एक रीजन है कि भाई आप जो है ना देखिए मुझे भी मैं इनके साथ सपोर्ट टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था ड्यू टू इन्फ्लेशन ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में इतने है ना यहाँ पे सर्वाइवल अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसका मैंने एक सोल्यूशन इनको बताया कि भाई आपने सिर्फ अभी इस एक सोल्यूशन के ऊपर काम करना है नहीं तो अगले 10 सालों में जो है ना डिजास्टर हो गए क्लैश हो गए बेसिकली। वो सोल्यूशन क्या है आपको पता है? मैंने इनको कहा कि आपने कमाना डॉलर्स में और उड़ाना किसने दैट्स द ओनली सोल्यूशन बिकॉज वहाँ के 200 डॉलर जो है वो यहाँ के 60,000 हो गए और यार हम इतने भी तो नाकारा नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग एक अंग्रेज की देर से 200 रुपये हम कितनी पा सकते यही मानी कल बात पर 100% रियलिटी अभी कल रात मेरे क्लाइंट के पास मीटिंग ठीक है वो परफॉर्म कर रहा था अमेजोन एडवर्टाइजमेंट पे गूगल एड्स पे मुझे आगे से कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज चाहिए एंड आई विल पे यू अ गुड मनी ठीक है यार 300-400 वो भी जुड़ा हुआ $600 क्या देगा भाई हाउ मच यू हैव बजट पेन एंड इफ यू आर एन ऑनेस्ट एंड फेयर आई कैन पे यू $5,000 अ मंथ $5,000 अगर आपको एक क्लाइंट दे रहे लेकिन उसका काम टू मच टफ था ठीक है एक्सेसिव एक्सपर्ट लेवल पे जा कर उसका काम करना था वो तभी वो $5,000 दे रहे थे। सिर्फ उसकी मैंने 2 महीने का स्पेंड देखा था एडवर्टाइजमेंट में $90,000 स्पेंड था $90,000 और उसमें उसने रिवेन्यू तकरीबन 3-4 लाख के बीच में डॉलर से मिले। तो ये होता है आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं लेकिन आपने जो है ना आपका शिकार ले जाओ तो वो रॉड में फेंका होता है तो वो सही तरीके से फेंकता है। सो दैट्स द ओनली सोल्यूशन कि भाई आप आज कल अगर पाकिस्तान में सर्वाइव करना चाहते हो तो यू हैव टू अर्न इन डॉलर्स यू हैव टू क्योंकि अगर आप पी के आर में कमा रहे हो अच्छा ये भी सोल्यूशन नहीं है कि भाई आप जो है ना यहाँ से बाहर घूम रहे हैं ठीक है हमारे यहाँ पे आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में पर डे जो है ना 700-800 केसेज आ रहे हैं रेगुलर की बेस पे कि भाई हम लोग जो है ना वो पाकिस्तान से मूव ऑन करना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है कि उनको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ अगर आप चले जाते हैं यूके में ठीक है यहाँ पे आप रेंट दे रहे हैं 25,000-20,000 लाइक सपोज कर रहे हैं वहाँ पे आपको पता है कि 600-1,000 pounds के बीच में पर मंथ रेंट है वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 रूम पर। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने पाउंड में ही कमाना है और पाउंड में ही लगाना है ऐसे ही ना यहाँ पे क्या है कि आपने डॉलर पे कमाना है पाउंड में कमाना है और आपने डी टी आर में खर्च करना है। अब इस डैम क्लास का मकसद
सबसे पहला ये है कि आप तो अपकमिंग स्ट्रीम्स ठीक है, आप किन किन वास्तु से रहना को आप अपना ठीक है, हर बंदे को चाहिए लग्जरी लाइफ, हर बंदे को चाहिए कि मेरे उसके बच्चे जो है वो आराशी करें। इसी तरह कौन कहता है कि भाई मैं जाना वो बूटा दूँ, कोई नहीं कहता। लेकिन हम लोगों ने स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर दी, अगर स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होगी हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे, गोल्स नहीं अचीव होंगे तो डिप्रेशन होगा, अगर डिप्रेशन होगा तो फिर हम ऑब्वियसली पाकिस्तान पीछे हो जाए। ऐसे क्या ठीक है, डिप्रेस इंसान क्यों होता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस। आजकल यंगस्टर्स, अभी सुबह मेरे साथ एक मेरी क्लास में डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में एक अंकल है, वो मेरे वाइस प्रेसिडेंट है इन बैंक ऑफ पंजाब, मुझे कह रहे थे कि यंग यंग लड़के हैं और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हार्ट फेलियर, कार्डियक अटैक, क्यों? तो माइंड पे इतना प्रेशर है ना कि आपने फैमिली को देखना है, फैमिली के बाद आपने शादी करनी है, शादी करके 10-16-16-25 लाख रुपए हो, फिर उसके बाद आपने जाना है शादी वाले चल जाइए, फिर आपने फोटो शूट कराना है, फिर उसके बाद लाइफ चेंज हो जाती है, फिर बच्चे बच्चों की स्टडी, फिर आजकल स्कूल की फीस आप देखेंगे किधर जा रहे हैं। सो ये जब आप माइंड सेट के साथ जाते हैं ना कि भाई मैंने जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग इज़ नॉट द ओनली फील्ड ठीक है। आपके पास मैं अगर आपको गिनवाऊँगा तो 50 से ज़्यादा स्किल्स ऐसी हैं जो कि आज कल वॉट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट हो गया, एक्सी हो गया, दराज के लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं लोग। मेरे स्टूडेंट हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उनको हमने असाइनमेंट दी कि भाई आपने जो है ना 1000 रुपये का ऐड चलाना है फेसबुक पर। उसने कैनवा पे गया, उसने परफ्यूम की वीडियो बनाई मजे की, उसने उसके ऊपर ऐड चलाया, 1000 रुपये में उसको 15 ऑर्डर आया पाकिस्तान के अंदर से। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नो वन कैन बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ, बट आपकी जो है ना स्ट्रैटेजीज फेल होती हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजीज को चेंज करें। सो मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूँगा जो कि हमारे स्टूडेंट हैं डिजिटल असिस्टेंट फ्रीलांसिंग के ठीक है, उनके भी सक्सेस स्टोरी भी पब्लिश हुई थी अनस की। सो अनस फ्रॉम कोहार्ड है, उसने जो है ना कैसे स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी, क्या क्या मसले आए ठीक है, वो भी स्टेज पर बात कर रहे हैं। सो अनस प्लीज यू कैन शेयर 5 मिनट्स। Keep it short, for 10 minutes we will get on class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, मेरा नाम अनस खान है और मैं Amazon Virtual Assistant हूँ। मैं डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ डिफरेंट मॉडल्स की, प्राइवेट लेबर, ऑल से लेकर ऑनलाइन आर्बिट्राज। देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, स्ट्रगल करना, स्ट्रगल। अभी कुछ लोग इसके अंदर ऐसे हैं कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हम लोग जो है ना, मतलब हम लोगों ने लेवल से ट्रेनिंग ले ली है, फिर हमें आगे क्लाइंट